स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग में फीमेल हेल्थ वर्कर बैच वाइज पोस्टिंग नहीं भरी जा रही है, जबकि प्रदेश में 3 इंस्टीट्यूट हैं जहां ट्रेनिंग करवाई जाती है, लेकिन सरकार 22 वर्षों से कोई भी पद नहीं भर रही है, जिससे हिम केयर की कई महिलाएं नौकरी का इंतजार करते करते अधिक आयु की हो गई हैं और कई अभी भी इंतजार कर रही हैं। महिलाओं ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सिर्फ नारा ही है, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है और अब ये महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय काम करवाना चाहती हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग में फीमेल हेल्थ वर्कर बैच वाइज पोस्टिंग नहीं भरी जा रही है, जबकि प्रदेश में 3 इंस्टीट्यूट है जहां ट्रेनिंग करवाई जाती है, लेकिन सरकार 22 वर्षों से कोई भी पद नहीं भर रही है, जिससे हिम केयर की कई महिलाएं नौकरी का इंतजार करते करते अधिक आयु की हो गई हैं और कई अभी भी इंतजार कर रही हैं। वहीं महिलाओं का एक दल मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री ने भी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। वहीं जब इन महिलाओं का दल स्वास्थ्य मंत्री से मिला तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी दो धार वाली बात कह दी। इन महिलाओं का कहना है कि मेल वर्कर को सीधे भर्ती किया गया है, जबकि फीमेल वर्कर को किसी ने नहीं पूछा, और सरकार को जब वोट मांगने होते हैं तो सरकार कई वायदे करती है और जब सरकार बन जाती है तो आम जनता से मिलने से भी कतराती है। यही नहीं, महिलाओं ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सिर्फ नारा ही है, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है और अब ये महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम करवाना चाहती हैं। करते हैं हम 22 सालों से स्ट्रगल कर रही हैं, 22 सालों से जो है आधी महिलाएं जो बेरोजगार हो चुकी हैं, जो ओवरेज है उनकी एज जो आज 45 प्लस हो चुकी है और इसी एज में धीरे धीरे हम भी बढ़ रही हैं और सर आए हुए वर्षों में तो हम भी ओवरेज हो जाएंगे 1-2 महीने में। तो सर हमने अभी प्रमार से सर से बात की, स्वास्थ्य मंत्री से और सीएम सर से भी बात की, लेकिन उन्होंने हमारी बात मतलब चलते चलते सिर्फ 2 मिनट भी हमारे को हमने मांग के लिए चुरा के लिए उनसे, तो सर उन्होंने ये बोला कि आधों को वो स्टेटमेंट देते हैं कि मैं आपके बारे में कर रहा हूं और आप सोचूंगा, और आधों को सर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि नहीं मैंने आपकी पोस्ट ही खत्म करनी है और हमने आपको रखना ही नहीं है, जबकि सर उन्होंने खुद 3 इंस्टीट्यूट चला रखे हैं, एक प्रियदर्शनी रहते हैं और एक नूरपुर में और एक कुल्लू जोन जो हॉस्पिटल है कुल्लू में, वो टोटल गवर्नमेंट का बैच बिठाया हुआ है। हम भी सर इसमें काउंसलिंग के थ्रू आए हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने आज तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैंने रखना ही नहीं है, और जो पीछे टेस्ट हुआ था वो पिछली सरकार कांग्रेस सरकार की निकाली हुई पोस्ट है, उन पे उन्होंने 205 पोस्टों के लिए टेस्ट लिया, लेकिन उसमें जीएनएम और बीएससी ने अप्लाई किया। ये जीएनएम बीएससी 2012 से भर रही है, इनके आरएनपी रूल जो हमारे रूलों से अलग हैं और इनकी नेचर ऑफ जॉब और हमारी नेचर ऑफ जॉब में फर्क है। डायरेक्टर सर खुद इनको बोल चुके हैं कि इनकी जॉब अलग है और हमारी अलग है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है अब इस पे कि हाई क्वालिफिकेशन लोगों को नहीं भरेगी, तब भी सर हमारे को ये बोल के टाल दिया जाता है कि आपका केस चला हुआ है और वो जब तक डिसीजन नहीं आएगा आपको नहीं रखेंगे, और जबकि जो कोर्ट केस चला है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो चुका है, हमने कोई केस नहीं किया है, केस किया जीएनएम और बीएससी ने, जबकि सरकार उनको दोनों तरफ से फायदा दे रही है, बैच वाइज उनको रखा जा रहा है, कमीशन उनको रखा दिया जा रहा है, उनकी पोस्टें मतलब हर साल में 2-3 बार निकाल दी जाती है, और जबकि सर जबकि ये सरकार बनी है तब की हमारी पोस्ट एक भी बार नहीं निकाली है, और सभी महिलाएं हर एक डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, कोई मंडी से कोई कुल्लू से, और सबका मैटर यही है कि बैच वाइज किया जाए और नई पोस्टें निकाली जाए, अगर कोर्ट केस का सभी डिपार्टमेंट जो है वो बैच वाइज कर दिए हैं, जैसे मेल भी मेल हेल्थ वर्कर को भी इन्होंने बिना कमीशन के निकाला गया, 15 दिन के रख दिया। ठीक है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहती है और आप कैसे किस थ्रू आते हैं और क्या मतलब काम क्या होता है अपना? सर हमारा पहले 1.5 वर्षीय डिप्लोमा था, जब से हिमाचल सरकार करवा रही है तब से 2 वर्षीय डिप्लोमा कर दिया इनका, और हमारी +2 क्वालिफिकेशन होती है, पहले तो आर्ट्स वाले थे सारे, अब मेडिकल भी ले रहे हैं, और आशा वर्कर एक ऐसी पोस्ट है जिसपे 8 पास को इन्होंने रखा है और फील्ड वर्कर उनसे करवा रहे हैं, वो सारा जो हम काम करती थी वो सारा आशा वर्कर काम कर रही है, और उनको इंजेक्शन लगाने की अथॉरिटी भी इन्होंने दे रखी है, अभी तक हमारे पास उनके क्लियर प्रूफ नहीं है, जब हमारे पास आएंगे तो हम मीडिया के पास वो भी देंगे कि आशा वर्कर किस तरह से बच्चों को इंजेक्शन तक लगा रही है, उनका बायोडाटा कलेक्ट करके इनको दे रही है, सब कुछ कर रही है, और हमारी जो एनएम है वो काफी विडो भी है, भी गरीब फैमिली से बिलोंग कर रही है, वो बिचारी घरों में कई जो है वो झाड़ू पोछा भी कर रही है, और उनके क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन भी है, बीच में एमए भी है, बीएड भी है, और वो इसलिए इस डिपार्टमेंट में गई थी कि हाँ जी अच्छी सिक्योरिटी है और जॉब भी मतलब अच्छी है और मतलब पैसे भी ठीक है, मतलब सब कुछ है।